नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें कि इसमें इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि होंगी। साथ ही यह इस संवाद का 8वां संस्करण होगा, जो कि 4 मार्च तक चलेगा। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियां हिस्सा लेंगे। इसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख पत्रकार शामिल होंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर और आप नेता भास्कर राव ने पार्टी का दामन छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का विकास नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी में स्पष्टता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके 2 मंत्री जेल में हैं, जो बेहद शर्मनाक है। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि ताजा मामला के तहत माफिया मुख्तार की पत्नी आफशा के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। साथ ही मुख्तार के साले अतीक रजा और अनवर शहजाद पर केस दर्ज हुआ है। गाजीपुर के सैयदवाड़ा निवासी मसूद आलम ने ये केस दर्ज कराया है। बता दें कि पीड़ित ने विकास कंस्ट्रक्शन में पार्टनर होने के बाद भी पैसा ना देने और हिस्सेदारी हड़पने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तारीख में मसूद आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उनके व उनके 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। कालांतर में वर्ष 2010 और 2012 में आफसा अंसारी, अनवर सज्जाद और वे अन्य इनके जो भाई हैं, इन्होंने धमकी देकर, डरा धमका कर, जान से मारने की धमकियां देकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। मामला जनपद प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। बता दें कि परिजनों ने इसका आरोप एक महिला पर लगाया है। उनका कहना है कि महिला ने युवक को अपने घर मिलने बुलाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये चला गया सर घर उसके, अब 9 बजे रात में ये गया है सर, उसको फिर ये नहीं पता चला कि कहाँ गया। जब ये लोग यहाँ पे लाश ढंगी पड़ी मिली तो कहाँ पे मिली लाश? उसके दरवाजे पे। किसके दरवाजे? खजांती के। तो सर जो है हम लोग गए तो वो लोग कहने लगे इस चोर है, डकैत है, पेटी बहा दिए, कागज बहा दिए, कहने लोग के भगा जा रहा था इसीलिए इसको मार डाला हूँ। कौन मारा? किस उस खजंती मारा, कमलेश मारा, शंकर मारा और उसका तीनों लड़के मारे। कहाँ के निवासी हैं लोग? निकुहे के निवासी हैं। वो घर दिख रहा है सर, 200 किलोमीटर हमसे है, मेरा घर यहाँ पर है, उसका वो है पीछे। मुकदमा दर्ज हुआ आपके मामले की नहीं अभी? अभी तो सर हम बता नहीं सकते क्योंकि थाने में तक हुआ है। छानबीन जांच पड़ताल से पता लगा कि उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई है और ये भी पता लगा कि उसको किसी एक लेडी द्वारा वहाँ पर बुलाया गया था, ऐसा आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है। जबकि जहां पर वो मारा पीटा गया वहां के लोगों का ये कहना है कि वो चोरी करने की नीयत से आया था। उस पर लोगों ने शोर मचाया और मारपीट हुई। फिलहाल मृतक के परिजन के तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल छानबीन करते हुए विवेचना प्रचलित है और जो भी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बस ने बाइक सवारों को रौंदा है, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन मार्ग स्थित टैना गाँव के पास का है। आ रहे थे तभी लौटते समय इनको जंक्शन पर जो लोकल बस चलती है
जेवर से आती साइड में एक्सीडेंट मार दिया जो है। कहाँ रहती हैं? खुर्दा जंक्शन पर रहती हैं। क्या हुआ है हादसे में? कोई हताहत हुआ? एक जो है सुनील नाम का लड़का है एक्सपायर हो गया है और जीतू नाम का लड़का घायल है। एक ही गांव के? एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोस्त हैं दोनों। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस कार्यक्रम में उन्होंने कॉलोनी की महिलाओं से मुलाकात की और सभी अभिभावकों और बच्चों को अलग अलग विषयों पर जागरूक किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जब जागरूकता होगी तो मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अपराध खत्म करने के लिए बच्चों को भी जागरूक रहना जरूरी है। था जो बड़ा अच्छा रहा और बच्चों ने इंजॉय किया, पेरेंट्स ने देखा कि हमें इस तस्करी से कैसे बचना चाहिए, जो बुराई हमारे समाज के अंदर आई इससे कैसे हम दूर रहें। तो कैसे जागरूक किया बच्चों को और माता पिताओं को? अननोन पर्सन को अटेंड नहीं हमें करना चाहिए और ना ही जो बिल्कुल अननोन है या थोड़ी सी भी जानता है उसको अपने घर में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं पर आप न्यूज़पेपर में या टीवी में देखोगे कि मानव तस्करी हो रही है तो आप समझ जाना कि बच्चा चोरी हो रहा है। लड़का हो या लड़की हो, उनकी चोरी हो रही है। अब मानव तस्करी ना हो, बच्चा चोरी ना हो, कोई आपको उठाकर ना ले जाए, कोई आपको बहला फुसला कर ना ले जाए, उसके लिए क्या करना है आपको अभी बताया, कौन से नंबर पे डायल करना है? वेरी गुड। और अगर वो नंबर नहीं चलेगा तो दूसरा नंबर होती है और किन उद्देश्य से जो करने वाला है, क्या उद्देश्य होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चों को बताया गया तो भी बचने के हमारे जो क्या है। एक तो कोई आपके साथ इस तरह की वारदात होती है, कोई आदमी आपको किडनेप करता है, बैगिंग के लिए ले जाता है, चाहे लेबर के लिए ले जाता है, तो 1098 है, चाहे लहल पहन का नंबर है, 112 पुलिस का नंबर है। इन माध्यमों से आप क्या नाम है आप बच सकते हो इस मानव तस्करी का शिकार होने से। दूसरा, बच्चे को जो छोटे बच्चे हैं हमारे 5 साल के 6 साल के, उनको पता नहीं होता है कि हमारे घर का प्रॉपर एड्रेस क्या है, तो बच्चों को बच्चे के पेरेंट्स को इस सभी चीज़ों के बारे में अवेयर किया गया था। जो बच्चे होटल वगैरह या रेस्टोरेंट पर काम करते हैं छोटे छोटे होते हैं, उन मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? मैं आपको उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।